हेलो, वेलकम टू फोकस। फोकस 7 में जो इससे पहले आया था, मैंने 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस का जिक्र किया था जिनमें इंटरव्यूज थे योगेंद्र यादव जी के साथ और हमारे फॉर्मर फाइनेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी के साथ वायर वाले इंटरव्यूज थे। वो इस बार फिर 3-4 वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट देखने को मिले जिन पर टिप्पणी करना जरूरी समझता हूं। एक वीडियो मैंने देखा अरफा खानम शेरवानी का, जो एक भाषण दे रही थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। मौका था दयाशंकर मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक, जो कि राहुल गांधी पर लिखी गई है, उस किताब का विमोचन था। और अरफा ने बहुत भावुक तरीके से, प्रसदे हुए तरीके से अपनी व्यथा, अपनी एंग्विश, जो एक माइनॉरिटी की होती है या उन लोगों की होती है जो बड़ी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, विश्वास के साथ डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूसिविटी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, उनको क्या झेलना पड़ रहा है हमारे आज के भारत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मूव करने देने वाली, विदाउट बीइंग मेलोड्रामेटिक, ऐसी स्पीच थी ये। दूसरी काफी इमोशनल थी वो भी, वो थी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी लिबरल एटमॉस्फेयर से आते हैं, इंक्लूसिविटी और सेक्युलरिज्म में बहुत विश्वास रखते हैं। उनका एक तरह से इंटरव्यू था 4 PM न्यूज मैगजीन पर, और वो खास तौर पर शुरू उन्होंने उस पर, उस घटना पर अपने प्रतिक्रिया से किया जिसने सबको चौंका दिया, जो कल हुई। वो थी चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में जिस तरह से खुली धांधली। ऐसे होता है, काउंटिंग ऐसी होती है कि जी आपने मुझे सभी वोट दे दी, मैंने ये रखी, ये मैं इधर रखूंगा, ये तो किसी मेरे विरोधी के खिलाफ है, विरोधी के पक्ष में, ये मैं इधर रख दूंगा, इसको चलो मैं इधर रख दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, बाद में गिनूंगा, गिन के अभी अनाउंस ही नहीं किया था कि 16-12, ये तो यहीं लेके खड़े थे, जैसे 16-12 कहा वो आए, इसने खुद ही कहा आ जा जा जा, बड़े बड़े बड़े, ये इलेक्शन है यार। उससे बड़े आहत थे अखिल स्वामी जी, और उन्होंने बहुत भारी मन से, मैं समझता हूं, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पूरा जो वातावरण है आज, जो स्पेक्ट्रम है, यू नो, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, खासतौर पर 2024 के जो इलेक्शंस हैं, होने वाले हैं 3 महीने में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए बहुत दुखी थे वो। और एक तरह से देखा जाए तो उसी मनस्थिति में मैं भी चलता रहा हूं, इसलिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा भी है कि अगर थोड़े भी लोग हों पर वो एक जैसा सोचने वाले हों, सुलझी हुई बातें करते हों, जो वाकई गहराई से भारत को समझते हों और भारत का हित कहाँ है उसको समझते हों, तो बहुत हो जाता है। इसीलिए हमारे वीडियोस कोई ज्यादा प्रचलित ना होते हुए भी हम लोग करते जाते हैं। उन्होंने बल्कि बड़े आहत तरीके से यह भी कहा कि जरूरत क्या है, आप जो चाह रहे हैं वो मान लेते हैं, इलेक्शंस करवाने की जरूरत ही क्या है अगर ये सब करना है, क्यों नहीं आप खुले रूप से कह दीजिए बस मैं ही अब हूं। जिस तरह से पुतिन हो गए, जिस तरह से चीन में शी हो गए, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में वहां का शासक है, डेमोक्रेसी की जरूरत ही क्या है, कैंसिल कीजिए इलेक्शन को, कैंसिल कीजिए पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर खर्च करने की जरूरत ही क्या है, आपको सिर्फ दिखावा करना है, कुछ लोगों को चुन लीजिए और कह दीजिए आपको वही बात कहनी है जो हम चाहते हैं, तो ये खर्चा बच जाएगा पार्लियामेंट हाउस को, बल्कि अटेंशन के लिए, अटेंड करने के लिए उसको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं किसी बहस के लिए। उसको अदानी साहब को कह दीजिए, वो एक बढ़िया सा होटल बना देंगे, उसकी इनकम आएगी, हमारी सरकार के
का जो बजट में मदद मिलेगी उससे बढ़िया होटल बनेगा, इतने आहत थे वो। इसी तरह से एक और वीडियो मैंने देखा जिसे कहते हैं खबर हॉट। ये जो सज्जन है जो इसे प्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, ये भी लिबरल स्पेस से आते हैं और अक्सर मुझे लगता रहा वो कांग्रेस के हितेशी हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं ये। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ उनका हाल ही का वीडियो देखकर। सब कुछ बातें कहते कहते वो अचानक बोले, पर मेरी शिकायत कांग्रेस में राहुल गांधी से भी है, वो क्यों कर रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा, सब ज्यादा जरूरत है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए कि जल्दी से सीटों को बंटवारा होना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए, इस यात्रा की जरूरत क्या है और क्या हासिल कर लेंगे आप इस यात्रा से, वो खुल के बोलते चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जयराम रमेश साहब हैं या केसी वेणुगोपाल हैं, जितेंद्र सिंह, इनसे क्या हो जाएगा, एक सीट नहीं जीत सकते लोग। बड़ा दुख हुआ मुझे, इसका मतलब सबका ध्यान सबका कंसर्न सिर्फ एक ही चीज से है, इलेक्शन में जीत हासिल करने से। तो हमने पिछले वीडियो में जो कहा था फोकस में कि भारत के जो रियल इश्यूज हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर हार निश्चित भी हो तो क्या हम बोलना आवाज उठाना बंद कर देंगे, क्या हम सिसकियां भी नहीं लेंगे, आवाज तो उठानी पड़ेगी ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पावर में वापस आती है या नहीं आती है या कभी नहीं आती है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि एक व्यक्ति तो हो, कुछ लोग तो हो उसके साथ जो हमारे जो डीपर इश्यूज हैं डेमोक्रेसी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, सेक्युलरिज्म को जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं भारत की भलाई के लिए, इकोनॉमिक जो स्थिति हमारी उसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो रियल इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा महंगाई के लिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो जो सबको बराबर लेकर साथ लेकर चलने वाली जो बात है, महिलाएं, किसान, युवा, उनके प्रति न्याय, जो गरीब है उनके प्रति न्याय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो इनको उठाया ही नहीं जाएगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये जो व्यक्ति थे, और मुझे बल्कि एक कॉमेंट करना पड़ा, मुझे ये भी लगा कि जैसा हम समझते थे और अब समझा जा रहा है जब बात खुलनी शुरू हुई कि नीतीश कुमार जी खुद एक तरह के मोल निकले कि शायद उन्हें बीजेपी ने ही डाला था ये बनाने के लिए कि इंडिया गठबंधन बनाओ, इस तरह का गठबंधन सबको मिला के उनके साथ अच्छा सद्व्यवहार करके उनकी उनका विश्वास जीतो, फिर उस विश्वास को तोड़ करके हमारे पास आ जाओ। दैट्स वॉट पर्हैप्स ममता जी हैड सस्पेक्टेड, दैट्स व्हाई शी हैड पुट हर फुट डाउन हर वीटो उनके नाम पर कि उन्हें कन्वीनर बनाने की बात पर। तो ये जो व्यक्ति कर रहे थे, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी आते रहे जिन पर मैं टिप्पणी करता रहा हूं, जैसे नीरजा चौधरी वगैरह, जो कि एक मुलम्मा है ऊपर से लिबरल्स का, सबको साथ लेके चलने का, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से खोखला करना, उन शक्तियों को, उन विश्वास पर के साथ चलने वाले जो लोगों का समूह है उसको उसको ढीला करने का, क्रिटिसाइज करके लीडरशिप को, इस तरह से ये मुझे लिखना पड़ा कि आप तो साहब शायद भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो जो सेंट्रल थीम है उसी को नहीं समझे, वो हमारे दर्द को व्यक्त करती है, उसकी वजह से मुझे आज लग रहा है कि ऑक्सीजन अभी है, सब छिन नहीं गया है मेरे देश में। तो हम लोगों को, आप लोगों को जिनसे मैं बात कर रहा हूं, और जाहिर है कि आप चाहे कम लोग हों लेकिन आप कहीं ना कहीं मेरी बात से थोड़ा इत्तफाक रखते हैं, तो हम क्या होंठ सील लें अपने, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पहली बार एक ऐसा मूवमेंट बनती जा रही है जिसे हमें हिम्मत मिल रही है, विश्वास पैदा हो रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा। और कमाल की चीज यह है कि उसको जनता समझ रही है, ग्राउंड स्वेल जिस तरह से बढ़ रहा है, राहुल गांधी को जिस तरह से उमड़ करके ह्यूज हुजूम पब्लिक का, साधारण लोगों का उसके साथ जोड़ रहा है, मिल रहा है, क्या बड़ी भीड़ उसके साथ चलती है, उसको देखकर हिम्मत मिलती है कि अभी जिंदगी बाकी है। जो स्पीच उसने कल दी राहुल ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी, उससे नीतीश जी की रियल दुख थी, नब्ज राहुल ने पकड़ ली, टैटुआ पकड़ लिया राहुल ने,
उसने कहा, खुल के बोला, वो पहले बोल नहीं रहा था बहुत दिल से, कि मैं बताता हूं क्यों नीतीश जी गए, क्योंकि नीतीश जी से मैंने कहा था और हमने मिल करके आरजेडी और हम लोगों ने मिलकर उन पर दबाव डाला कि आप कास्ट सेंसस कीजिए, जातीय जनगणना कीजिए और जल्दी लागू कीजिए। वो चीज नहीं बची बीजेपी को, क्योंकि वो उसमें विश्वास ही नहीं करती, ऊपर से कहती है, पर दे नो दे विल लूज द ग्राउंड कंप्लीटली, दे विल लूज ऑल द इलेक्शंस अगर भारतीय जनगण कास्ट सेंसस होना शुरू हो गया, जातीय जनगणना होनी अगर शुरू हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ऐसी शक्ति किसको मिलनी चाहिए, पावर किसको मिलनी चाहिए। तो ये बात बची नहीं शासकों को। नीतीश जी ने अंडरस्टैंडेबली आज उसकी उसका प्रतिवाद किया। एक तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि फालतू में आप इसका सहारा अपने ऊपर ले रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि आप पप्पू हैं और पप्पू रहेंगे। इससे पता चलता है कि नीतीश जी कितने घबराने लगे, उनकी भाषा बदलती जा रही है। अगर वाकई आपका सीरियसली इसमें योगदान था तो नीतीश जी, क्या मैं पूछ सकता हूं, जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उस पर जोर देकर क्यों नहीं आपने फिर से वो स्ट्रेस करके सामने लाए, क्योंकि शायद आपकी जो आपका जो विश्वास है वो पहले से ही ढीला हो गया, क्योंकि सब जानते हैं कि आपने समझौता किया है, आपने दगा दी है। सर, आप एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा हमसे हमारी ऑक्सीजन छीन लेता है एंड मौके पर, और जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं अपोजिशन के लीडर्स पर, लालू जी को इस उम्र में किस तरह से 10-10 घंटे अंदर रखा गया पूछताछ के लिए ईडी द्वारा, फिर तेजस्वी को लेकर के गए। कल जब राहुल का भाषण था बिहार में, उस वक्त तेजस्वी वहां नहीं थे, उनके पार्टी के दूसरे लोग थे, तेजस्वी भी होते तो बात कुछ और ही हो जाती, जो अपार जन समुदाय था वो शायद और भी तिगुना चौगुना हो जाता, क्योंकि जब तेजस्वी रात में बाहर आए 8-10 घंटे की पूछताछ के बाद अंधेरा हो चुका था, पर लोग वहीं ईडी के ऑफिस के बाहर बहुत बड़े हुजूम में थे, और क्या उन्होंने तेजस्वी को अपने कंधों पर उठाया है। मोदी साहब, आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, आप समझे नहीं, आपको लगा कि धर्म से सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप लड़ा देंगे लोगों, नहीं सर, ग्राउंड स्वेल समझने लगा है आपको, उसकी आंखें खुलने लगी हैं। एक ऐसी घड़ी आती जा रही है कि शायद हमारे शासकों को हम ही से, जनता से ही टक्कर लेनी पड़ जाए। नेता तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनता टेंटुआ पकड़ना जानती है, उसने ये बार बार किया है, विदेशों में भी किया है, हिटलर के साथ भी किया है, सबके साथ किया है। मिसेस गांधी बहुत बड़ी ताकत थी इमरजेंसी के वक्त पर, उन्हें भी उन्होंने एकदम एक तरफ कर दिया था। आप तो बहुत छोटी चीज है मिसेस गांधी के सामने सर, आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू वेक अप सर। ये जो आड़ ले रहे ना धर्म वगैरह के और बीजेपी वाले, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू डियरली, आई कैन सी इट, क्योंकि हिंदुस्तान जागेगा नहीं, हिंदुस्तान जागना शुरू हो गया है। आज का युवा, आज का किसान, आज की महिला उठ खड़ी हो चुकी है, इसकी गवाह, इसका दृश्य अगर देखना है, रियल दृश्य देखना है, तो बिहार में देखिए जिस तरह से चंपारण की धरती पर चली वरिंद्रनाथ रेणु जैसे राइटर की धरती से जब ये चली कटिहार में, आपको जो जनता का इमोशन था, भावनाएं थी, वो देखनी थी किस तरह से, किस पूरे विश्वास के साथ, पैशन के साथ, इमोशन के साथ वो राहुल को जुड़ रहे थे, उसे उससे हाथ मिला रहे थे, उसके आलिंगन में ले रहे थे। आई थिंक आई एम सीइंग द रे ऑफ होप अगेन, मुझे सूरज उगता हुआ दिख रहा है। आज इतना ही है।